हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और ये आपका पार्ट भी शुरू हो रहा है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना कुछ भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में पढ़ेंगे वो सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत थ्योरी में पढ़ा था कि हमारे पास होती है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस होता है, और भी काफ़ी कुछ है। वो सारा का सारा क्या करता है, आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है। अगर आप क्लास वर्ड का कहीं एग्जाम्पल मतलब अगर आप डिक्शनरी मतलब जो वर्ड है क्लास इसका मीनिंग देखते तो हमें मतलब क्या मिलता है, अ सेट ऑफ थिंग्स हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, कुछ इस तरह की आपको डेफिनेशन वहां पे देखने को मिलेगी, राइट। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग में देखते हो कि भाई प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्या होती हैं, तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोनों से हमें कुछ प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये क्या चीज है। तो इसको जब हम आगे प्रोग्राम में एग्जाम्स के थ्रू सॉरी आपके प्रोग्राम्स के थ्रू देखेंगे जब इनको आगे, तो वहां से जो है हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि हमने वहाँ पे देखा था कि इसका यूज़ होता है मोस्टली रियल वर्ल्ड जो हमारी एलिमेंट्स होते हैं उनको मॉडल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड को सीखना है पहले, वो है एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है पहले हमें वो देखना है, एंटिटी क्या होती है हमने वो देखना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो एंटिटी जो वर्ड है इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये है कि भाई आपका रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड की कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में डेटा स्टोर किया जा सकता है उसको एक एंटिटी कहा जाता है, ओके। और उस एंटिटी को हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए हम तो जो ये हमारी एंटिटीज हैं उनको जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऑलराइट। तो रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, राइट। ये स्टूडेंट है, तो जब मैं स्टूडेंट कहता हूँ तो क्या है हमारे जो हम जब स्टूडेंट बात करते हैं, जब हम स्टूडेंट के बारे में कोई बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि स्टूडेंट जो है वो किसी कॉलेज या स्कूल में स्टडी करता है और उसके पास कुछ एक उसका कुछ डेटा होता है, साथ में वो कुछ एक एक्टिविटीज करता है। जैसे कि डेटा देख लेते हैं स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है, उसका कुछ नाम होता है, रोल नंबर होता है, क्लास होती है उसकी, राइट, लेट्स से मार्क्स, फोन नंबर है आपका, ठीक है, और एक्सेट्रा काफी कुछ हो सकता है। वैसे ही साथ में जो ये स्टूडेंट है आपका कुछ एक्टिविटीज भी करता है, जैसे कि वो स्टडी करता है आपका, है ना, वो स्लीप करता है, ईट एक्सेट्रा, ओके। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है हमारी, एक स्टूडेंट जिसके पास क्या है, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, मार्क्स एक्सेट्रा, साथ में कुछ एक ये एक्टिविटीज भी यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमने यहाँ पे बना दिया एक ब्लूप्रिंट, यानी कि एक हमने जर्नल गाइडलाइन से यहाँ पर दे दी है। उस गाइडलाइन में हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो एक स्टूडेंट होता है रियल वर्ल्ड में उसका कुछ नाम होता है, रोल नंबर होती है, क्लास होता है एक्सेट्रा, बहुत सारा डेटा होता है उसके बारे में, साथ में वो कुछ एक एक्टिविटीज करता है, राइट। तो ये जो डेटा है आपका और जो ये आपकी इसकी एक्टिविटीज हैं इनको हम जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू रियल आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहां पर इसको हम रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो अभी इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि जो ये हमारा स्टूडेंट है यहाँ पर, ये जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पर उसके ये जो नाम वगैरह है ये क्या है, मैंने जर्नल सा यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा एक उसका गाइडलाइन ही बता दी कि जो स्टूडेंट होगा वो कुछ इस तरह का होता है, राइट। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मैंने कहा कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर, ठीक है हमारे पास एक नया स्टूडेंट आ गया है जिसका नाम है नेहा, राइट। तो जो नेहा है वो क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट है तो उसके पास ये डेटा भी होगा और उसके पास ये एक्टिविटीज भी होंगी सारी की सारी,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो नेहा जो है वो एक क्या है, स्टूडेंट की कॉपी है ना। और अगर एक और बना लेते, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ राज, तो राज भी सेम है, राज के पास भी यही सारा का सारा डेटा है और यही सारे के सारे उसके पास क्या है, फंक्शंस भी हैं, या सॉरी जिनको मैं एक्टिविटीज़ कह रहा हूँ फिलहाल में, एक्टिविटीज़ वो ये सारी सारी कर सकता है। तो क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट जो हैं ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, ये जो ब्लू प्रिंट सा यहाँ पर हमने बनाया और जो यहाँ पर ये एक्चुअल हमने एंटिटी क्रिएट कर दी है, ये है आपकी क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ब्लू प्रिंट सा यहाँ पर है वो क्या है, आपकी क्लास है, ठीक है। इस क्लास की एक जो कॉपी बनती है, जैसे कि ये प्रॉपर जब बन रही है यहाँ पर, तो ये होता है एक आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो जो जो क्लास है आपकी, वो सिर्फ क्या है, एक तरह से आपको गाइडलाइन दे रही है कि जो स्टूडेंट जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर ये डेटा आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये है आपका क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट, राइट। तो जो नेहा है उसके पास ये सारा का सारा डेटा है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ भी, यानी कि इन सब की एक कॉपी नेहा के पास चली गई है, ठीक है। एक और यहाँ पे क्या हो गया है, राज जो है नया स्टूडेंट हमारे पास, राज के पास भी इसकी एक सेपरेट कॉपी है। तो जो नेहा की कॉपीज़ हैं इन इन चीज़ों की, वो अलग है, राज की जो कॉपीज़ हैं वो अलग है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कॉपी एक क्लास से हमने क्रिएट कर ली है, ये है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये जो एंटिटी का हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया यहाँ पर कि जो क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसको जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो क्लासेस है और ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी क्लास है उसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, हम जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड, ठीक है, क्लास कीवर्ड लिखते हैं CLASS क्लास, और उसके बाद आपकी जो भी क्लास है उसका नाम हमें लिखना होता है, राइट। क्लास कीवर्ड और फिर जो भी आप क्लास का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, पैरेंथेसिस के अंदर या जो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस हैं आप इनके अंदर, यहाँ पे ये जो डेटा है और जो ये एक्टिविटीज़ यानी कि जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इनको क्लोज करके यहाँ पर सेमी कोलन लगाते हो, राइट। इस तरह से जो हमारी ये क्लास बनती है। तो अगर मैं ये ऊपर वाली जो क्लास है हमारी, जो स्टूडेंट क्लास है, इसे मुझे क्रिएट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम लिखेंगे CLASS क्लास और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट, ओके। ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पब्लिक, और यहाँ पर कोलन लगा दोगे। फिलहाल के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है, इसको हम जो है एक दो वीडियोस के बाद देखेंगे। बस अभी आपने क्या करना है, जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उस पर आपने यहाँ पर पब्लिक ही लिखना है हमेशा, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ऑलराइट। तो अब देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास पब्लिक। अब मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है और जो ये एक्टिविटीज़ यानी कि जो ये फंक्शंस हैं इन्हें मुझे इस क्लास के अंदर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर डेटा क्या है स्टूडेंट के पास, उसका नाम है, रोल नंबर है, क्लास है, एक्सेट्रा। तो जो नाम है और रोल नंबर है, सबसे पहले रोल नंबर लेते हैं। रोल नंबर क्या होता है, नंबर होता है, तो उसको हमें स्टोर किस पे कर सकते हैं, डेटा को हम स्टोर किस में करते हैं, वेरिएबल्स में करते हैं। और ये एक्टिविटीज़ क्या है, कोई काम कर रहे हैं तो काम किससे करवाते हैं, हम फंक्शन से करवाते हैं, ठीक है। तो डेटा के लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, एक्टिविटीज़ के लिए हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। तो अभी जहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला मैंने यहाँ लिख दिया इंट रोल नंबर, दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग नेम, एंड देन लेट्स से इंट मार्क्स, ठीक है। ये तीन मैंने जो क्या कर दिया यहाँ पर, वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, यानी कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, इसी पे ही यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी इतना सही करते हैं, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, ओके। तो ये तो आ गए मेरे फंक्शन डेटा यहाँ पर। अब मुझे ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी बनानी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा इसी के बाद सीधा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया void, और लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया स्लीप, ठीक है। ये मैंने एक इसके अंदर फंक्शन बना दिया, अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ सिंपली मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा,
स्लीपिंग, और मैं यहीं पे लगा रहा हूँ, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने सारा। ओके ऐसे मैं यहाँ पर चाहूँ तो आपका जो है स्टडिंग, ईटिंग एक्सेट्रा और भी फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम इतना सही रखेंगे इस एग्जांपल को। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इस क्लास को यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी यहाँ, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो स्टूडेंट की जो मैंने यहाँ पर ब्लू प्रिंट बनाया था वही मैंने अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू बना दिया। क्या किया मैंने, क्लास, क्लास का नाम यानी कि स्टूडेंट, पब्लिक लिखना है, ये हमेशा लिखना है आपने फिलहाल के लिए। उसके बाद जो डेटा है उनको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स के थ्रू मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। रोल नंबर कैसा होता है, नंबर होता है तो इंटीजर में कर लिया, नेम कैसा होता है स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग में कर लिया, और आपका जो इंटीजर कैसा होता है, मार्क्स कैसा होता है सॉरी, वो इंटीजर्स का होता है राइट। एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारे, वो फंक्शंस होते हैं, तो हमने वो भी यहाँ पर बना लिया। तो ये तो बन गया हमारे पास यहाँ पर आपका एक क्लास राइट। इस तरह से हमने जो क्लास को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके अब बात आती है कि ये अब जो आगे इसकी ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाएंगे, कि ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट था ना, एक्चुअल में कैसे बनाए जाए इनके आगे स्टूडेंट्स, तो उसको हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, अब जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बनाने के लिए हमारा जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, वो होता है आपका, हम लिखते हैं पहले क्लास नेम, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, क्लास नेम, क्लास नेम से मतलब है जो क्लास का नाम है, कीवर्ड नहीं, क्लास का जो नाम है, या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। तो अगर मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यानी कि नेहा को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट नेहा राइट। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके इसके बाद मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट राज, तो ये राज भी हमारा यहाँ पर क्रिएट। जैसे ही ये लाइन आपकी जो है एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ये स्टूडेंट डॉट नेहा हो जाएगा क्रिएट, तो क्या होगा आपके पास, ये जो जितनी भी हमने क्लास का ये ब्लूप्रिंट क्रिएट किया था उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी नेहा के अंदर। ठीक है, तो ये नेहा के पास ये रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, और ये स्लिप भी है। वैसे ही राज के पास भी एक सेपरेट कॉपी है रोल नंबर की, नेम की, मार्क्स की एंड स्लिप्स की। सेपरेट कॉपी से मेरा मतलब क्या है कि जो रैम है आपकी, रैम में जो है इनकी लोकेशन अलग अलग होगी, यानी कि जो नेहा की जो कॉपीज हैं वो अलग जगह स्टोर होगी और जो राज है इसकी कॉपीज अलग जगह स्टोर होंगी। ओके तो इस तरह से हम जो इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ये बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं आपके मेन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम इनको क्रिएट करते हैं मोस्टली। ओके अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, इसका जो हम एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखेंगे आगे प्रॉपर, और वहाँ पर सब कुछ क्रिएट करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई प्रॉपर सिंटैक्स अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ओके तो क्या हो गया, स्टूडेंट है और जो नेहा है, नेहा के पास इसकी एक पूरी कॉपी बन गई है, राज है, राज के पास इसकी एक पूरी कॉपी बन गई है, इनको जो है हम आगे अब यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं। राइट, तो अगर आप अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, ठीक है, ये वाली स्टूडेंट वाली जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और जो ये मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी आप देख रहे होंगे। पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नाम। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो मैंने यहाँ भी क्या लिखा है, एक कीवर्ड और फिर उसका ऑब्जेक्ट का नाम, तो काफ़ी सिमिलर है। सिमिलर ये इसलिए है क्योंकि जो क्लास है आपकी उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। ओके तो जैसे ही मैंने क्लास क्रिएट किया है तो ये क्लास है, लेकिन इसको आप एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट लिखते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, अब एक डेटा टाइप बन गया और आगे ये वेरिएबल है। हम कहते हैं इनको ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि ये क्या है, डेटा टाइप है, ये क्या है आपका, वेरिएबल है। तो इसीलिए जो है आपकी क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। ओके राइट, तो अब बात करते हैं यहाँ से आगे कि ये जो, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट कर लिए, लेकिन इनको यूज कैसे किया जाए, अब आगे इनमें डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, नेहा जो है, नेहा के पास रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, राज है, उसके पास भी रोल नंबर भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, तो कैसे इनको स्टोर किया जा सकता है। तो इनको हम स्टोर कैसे करते हैं, इनको स्टोर करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले आप लिखोगे जिसको, जहां पे आपने डेटा को स्टोर करना है, जैसे कि मुझे नेहा में डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे पहले नेहा, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर,
डॉट ऑपरेटर के बाद जो भी यहाँ पर मेंबर वेरिएबल है वो आप लिख सकते हो. तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू 10, राइट. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया राज रोल नंबर इक्वल्स टू 2. तो अब क्या हो गया, नेहा जो है, नेहा की जो ये कॉपी बनी है इसकी, उसके अंदर जो रोल नंबर है उसमें कितना स्टोर हो गया, 10. सिमिलरली जो राज की इसकी पूरी कॉपी बन रखी थी उसमें क्या स्टोर हो गया, यहाँ पर 2 स्टोर हो गया. ओके तो बेसिकली हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे डेटा बनाकर उनको बार बार हम आगे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो इस तरह से जो हम इनको यूज कर सकते हैं. और अगर आपको इनको प्रिंट वगैरह करवाना है आगे, तो सिंपली क्या करेंगे आप, इसी तरह से पहले नेहा रोल नंबर सी आउट कर देंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है. मतलब कि बस ये नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही है, जैसे आप ए प्लस बी करते थे. यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको जो है पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ रहा है और फिर आप ऑब्जेक्ट का डॉट लगा के वेरिएबल लिख रहे हो, ठीक है. ओबीजे ए लिख रहे हो, ओबीजे बी लिख रहे हो, वही चीज़ है यहाँ पे. ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ए, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा बी, है ना. तो बस वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है. तो ये जो है आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि क्लासेस क्या होती हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं. एक इसका जो हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे आगे प्रॉपर कि किस तरह से हम जो है इनको क्रिएट कर सकते हैं. ओके तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए ग्रुप में, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए. और नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चेक करते हैं कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग के थ्रू सिंटेक्स वगैरह फॉलो करके कैसे इसको हम यूज़ करते हैं. ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.